सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। कपूरथला में एक टीचर पेट्रोल की बोतल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। दरअसल खबर ये आ रही है कि 2 साल पहले युवक का प्रेम विवाह हुआ था, उसके बाद उनके बीच में कुछ अनबन हुई। ससुराल वाले पत्नी को घर ले गए लेकिन अब उसे वापस नहीं भेज रहे हैं। टीचर ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी है लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिली। अब टीचर ने ये तरीका अपनाया है, पेट्रोल की बोतल लेकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये टीचर पेट्रोल की बोतल को लेकर चढ़ा हुआ है, अभी तक नीचे नहीं उतरा है। कपूरथला की ये खबर है। 2 साल पहले प्रेम विवाह के बाद जब अनबन हुई तो ससुराल वाले पत्नी को अपने साथ घर ले गए और जब ये वहां लेने पहुंचा तो उसके साथ वापस नहीं भेज रहे हैं। संशय में है युवक की पत्नी ससुराल में है भी या नहीं है, उसे उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। ये मोबाइल टावर है जिस पर टीचर पेट्रोल की बोतल को लेकर चढ़ा हुआ है। अब उसकी मांग ये है कि वो ससुराल वाले उसकी पत्नी से उसे मिलने दें, ससुराल वाले उसकी पत्नी को वापस घर भेजें। पुलिस से उसने मदद की, गुहार की लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई सहायता अभी तक उसे नहीं मिली। मेरी जून 2015 दे विच लव मैरिज हुई सी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच। आंचल शर्मा मेरी वाइफ का नाम है जो कि भवानीपुर विखे रहिंदी है। उस तो बाद जो अभी घर वापसी आए तो मेरे सहुरे परिवार वाले एक दिन के वास्ते मेरी वाइफ में लेके गए थे कि साड़ी इज्जत का सवाल है, सानू एक दिन की कुड़ी तोर दो, अभी घर जोड़ा अपने घरों रजामंदी तोर देंगे। पर उस तो बाद अज 2.5 साल हो गए मेरे सहुरे परिवार वाले मेरी वाइफ में मिलन नहीं दे रहे। मैनू पता ही नहीं कि मेरी वाइफ है कितने आ, कि मैनू ये शक आ कि मैंने उन्होंने कितने मार के मेरी वाइफ में कितने गायब ना कर दिता हो। मैं एक दरखास्त भी जी SSP साहब को दी है, SSP साहब जो कि SHO साहब को भेजी हुई है। मैं अज इतने चढ़िया अपनी वाइफ इतने जोड़ा अच्छ लैके जावगा, जे वाइफ नहीं लैके जावगा तो मेरी इतों लाश जाएगी, तो मेरे सहुरे परिवार वाले तो जोड़ा उल्टा परचा दर्ज किया जाए। तो सुरेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जी सुरेंद्र, अभी तक ये टीचर मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है। जी जी हाँ, अभी तो 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो टीचर है जो मोबाइल पर टावर पर चढ़ा हुआ है उतने का अभी तक कोई नाम नहीं ले रहा है। जी सुरेंद्र, क्या पुलिस की तरफ से, जैसे इन्होंने बताया कि पुलिस से इन्होंने मांग की थी, मदद मांगी थी, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, इस वक्त पुलिस की क्या स्थिति है, वहां पर क्या पहुंच चुकी है पुलिस? हाँ जी, पुलिस से बात हुई है मगर पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर उनका मांग है कि वो पुलिस ने हमारी कोई मानी नहीं है। वो थाने कई बार गया हुआ था मगर उसने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी थाने पर। जी सुरेंद्र, एक तरफ तो ये बात सामने आ रही है कि जब 2 साल पहले इनका प्रेम विवाह हुआ तो पत्नी के साथ इनकी अनबन हो गई, जिसके बाद पत्नी को उसके परिवार वाले ले गए थे और नहीं भेज रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि टीचर की बात से पता चल रहा है कि इसे खुद शक है, इस संशय में है कि पत्नी को मार दिया गया हो, ये बेहद ही गंभीर बात है। जी ऐसे देखिए, पहले तो बात यह है कि ये बोल रहा है कि हमने 2 साल पहले शादी हुई, 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी है ना, और उसके बाद ससुराल ले चुके हैं ना, ले जा चुके हैं, मगर ससुराल वालों से अभी तक कोई जहां पर नहीं आया और ना ही उसका कोई पता है वो जहां पर है इसकी पत्नी, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जी सुरेंद्र, ये पत्नी का घर कहाँ पर है? कपूरथला के साथ 5 किलोमीटर भवानीपुर वहाँ पर है। दोनों कपूरथला के ही हैं और पुलिस ने इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, सिविल प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, मगर अभी तक उनको उतारने की काफी उसकी जद्दोजहद चल रही है मगर अभी तक उतरा नहीं है। जी क्या वहाँ पर कितने लोग पहुँच चुके हैं, किस तरह से वहाँ की स्थिति क्या है, जरा पूरा जानकारी दें। देखिए वहाँ पर तो काफी जो कपूरथला के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आम लोग, बहुत भीड़ लगी हुई है वहाँ पर, यानी कि कोशिश कर रहे हैं उनको उतारने के लिए मगर वो अभी तक नहीं मान रहा क्योंकि टावर काफी ऊंचा है, उससे बात करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। टावर काफी ऊंचा है और टीचर पेट्रोल की बोतल भी उसके साथ में है, ये कितनी देर हो गई है उनको ये टावर पर चढ़े हुए? उनको टावर चढ़े पर 2-3 घंटे हो चुके हैं, वो अपनी पेट्रोल की बोतल साथ में लेकर गया हुआ है,
वो कह रहा है अगर मेरी बात ना मानी, मेरी वाइफ को ना जहां पर ले आया गया, मुझे ना दिखाएगी, अगर ना पुलिस ने ये कार्रवाई की तो मैं अपने आप को आग लगाकर जहां पर खुदकुशी कर लेगा। जी सुरेंद्र, बेहद ही गंभीर बात है। मोबाइल का टावर है, उस पर इतने ऊंचे से वो चढ़ा हुआ है, पेट्रोल की बोतल उनके हाथ में है और वो आग लगाने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से तेजी से कार्रवाई ना हो पाने का क्या कारण नजर आ रहा है? कारण जिससे कोशिश तो कर रही है मगर, पर पुलिस का कहना है कि हम अभी कोशिश करें, ज्यादा कोशिश करें, वो खुदकुशी ना कर लें, उससे इससे भी डरती है। टीचर का ये भी कहना है सुरेंद्र कि पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी, पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, तब जाकर उसने ये रास्ता अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कह रहा है कि मैं पुलिस से कई बार कंप्लेन लेकर गया हूँ, एसएचओ से बात की है, मगर पुलिस ने हमारी कोई भी नहीं सुनी, इसलिए मैं ये कदम उठाया है। युवक के घर की तरफ से भी लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर क्या स्थिति है? ये पहुंचे हैं मगर वो उनकी कोई मानता नहीं अभी तक, तो देखिए उनके घर वाले जहाँ पर पहुंचे हुए हैं मगर उसके साथ कोई अभी खास बात नहीं हुआ, तो कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं माना रहा। सुरेंद्र, जिस तरह से ये व्यक्ति आरोप लगा रहा है अपनी पत्नी के घर वालों पर कि हो सकता है ये ऑनर किलिंग का मामला हो, हो सकता भी है मगर इसे कोई हो नहीं रहा, कोई क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी, वो उसकी घरवाली जहाँ पर आए या उनके ससुराल को जहाँ पर लाया जाए, अभी तक ये कोई हो नहीं आया। ये अभी केवल आरोप है, उसका संशय है, ऐसे में युवक के घर वालों का क्या कुछ कहना है? युवक के घर वालों को यही कहना है कि मगर उनकी काफी जब शादी हुई थी ना, उनके थोड़ी अनबन होने के कारण वो लड़की वहां से चले गई थी, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं हुआ, इनके रास्ता कायम नहीं हुआ इनके ससुरालों से, उस पर बात चलेगी, उस पर कंप्लेंट की मगर पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की, तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। दो वर्ष पहले इनका प्रेम विवाह हुआ, उसके बाद अनबन हुई, पत्नी को घर वाले घर ले जाते हैं अपने और वापस नहीं भेज रहे हैं, ऐसे में ये पुलिस से मदद की मांग करते हैं, पुलिस से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती और ये इनका फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन वो पत्नी को घर वाले वापस ना भेजते हैं ना इनसे मिलने भी देते हैं। ऐसे में इनका ये कहना है कि मुझे ये जानकारी भी नहीं है कि पत्नी जिंदा भी है या नहीं, बेहद ही गंभीर आरोप और बात है। ऐसे में कितना समय हुआ है जब से पत्नी अपने घर गई है और ये उनसे नहीं मिले हैं, नहीं देखा है, नहीं बात हुई है? हाँ जी, किसी का कहना है कि मैं 2 साल से 2.5 साल से जो शादी हुई, थोड़े दिन बाद ही उसकी अनबन हो गई थी और ससुराल वाले उसको ले गए, अभी एक दिन कहकर भी हम इसको लेकर जा रहे हैं ना, बाद में उसको नहीं भेजा। उसके बाद इसका किसी का कहना है कि हमने कभी मुझसे उसके ना हमारी फोन से बात हुई और ना ही मैंने उसको देखा है। उनका आरोप यही है कि सकता है कि जी सुरेंद्र, ये प्रेम विवाह बताया जा रहा है तो क्या इसमें उनके पत्नी के परिवार वालों की मर्जी शामिल नहीं थी? मर्जी पहले तो नहीं थे मगर बाद में उनके कुछ लोगों पे उसकी शादी हो गई। युवक के परिवार वालों ने क्या कुछ ऐसा बताया जिसमें पत्नी के घर वालों की मर्जी शामिल नहीं रही हो, और क्या उनके मर्जी के बिना, उनकी मौजूदगी के बिना ये विवाह हुआ जिसके चलते वो नाराज थे, या कुछ इस तरह की बात सामने आई? अच्छा, ऐसे अभी तक उन्होंने घर वालों ने कुछ नहीं बताया कि लव मैरिज कैसे, लव मैरिज हुई थी मगर अनबन थी, मगर उसमें बाद में कुछ नहीं बता रहे भी, अभी तक उसका कोई उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, तो ऐसा अभी तक कोई नहीं बताया। जी सुरेंद्र, ये 2 वर्ष पूर्व की बात है और उसके बाद पत्नी अपने घर चली गई है, तो कितना लंबा समय ये बीता होगा जब इनकी उनसे बात नहीं हो पाई? हाँ, इनका कहना है तो 2 साल से ही नहीं बात हुई, उनका आरोप यही है कि हमारी उससे बात नहीं करवाते, हमें जहाँ मिलने नहीं देते, इसीलिए उन्होंने ये पुलिस पर कंप्लेंट भी की, पुलिस पर कंप्लेंट भी की है कि उनको हमें मिलाया जाए, जहाँ हमें दिखाया जाए भी लड़की है या नहीं है, इसीलिए वो उसकी ना ऐसी बात ना सुनी जाने के कारण वो यही कदम उठाया है। यानी पूरे 2 वर्ष जब प्रेम विवाह हुआ उसके बाद से ही पत्नी गई है और पूरे 2 वर्ष इन्होंने प्रतीक्षा की है पत्नी को वापस लेकर आने की? जी जी जी, 2 वर्ष हो गए, 2.5 साल हो गए, उसके बाद थोड़े दिन में यहाँ पर रही थी, उसके बाद ये अनबन हो गई थी। क्या पत्नी के घर वालों ने भी कोई किसी तरह के आरोप लगाया है पत्नी पर या उसके घर वालों पर? अभी तक तो जो उसका कहना है, अभी तक तो लड़की वालों के घर वालों का इस पर कोई आरोप नहीं था। क्या पुलिस ने ये स्वीकार कर लिया सुरेंद्र कि इन्होंने उनसे मदद मांगी थी?
देखो ऐसा तो उन्हें कंप्लेंट की थी, मगर तो यहाँ पर अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनकी कंप्लेंट आई थी, मगर हम कार्रवाई कर रहे थे, मगर इसके बाद कोई नहीं बोल रहा है। ये कार्रवाई जो वो कर रहे थे, 2 वर्ष का लंबा समय, एक काफी लंबा समय होता है सुरेंद्र, पत्नी घर गई है और वापस नहीं आ रही है, ऐसे में मानसिक संतुलन खोता है व्यक्ति का, ये उसके साथ एक मानसिक अत्याचार भी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए ये तो पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लग रहे हैं, डेली कार्रवाई भी है, मगर अभी तो कुछ कह नहीं पा रहे, तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। किस तरह से उन्हें उतारने का प्रयास जारी किया जा रहा है? वैसे तो एसडीएम से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम कुछ देर तक इनको नीचे उतार लेंगे, क्योंकि लड़की वालों से भी हो सकता बात हुई हो उनकी, वो आएंगे और उसके कुछ बातचीत करके उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन में किसी भी व्यक्ति का लड़की वालों के या लड़की से किसी से बातचीत हुई अभी तक? देखिए बातचीत तो वो कह रहे हैं भी चल रही है हमारी बातचीत, मगर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी देने के लिए। और ये कपूरथला में आप देख रहे हैं एक टीचर हैं और पेट्रोल की बोतल लेकर टावर पर चढ़ गए हैं, क्योंकि 2 साल पहले इनकी पत्नी इनके अपने घर गई थी, परिवार वाले उन्हें अपने घर ले गए थे, लेकिन उसके बाद ना ये अपनी पत्नी को मिल पाए हैं, ना बातचीत हुई है और ना ही घर वाले पत्नी को वापस भेज रहे हैं। इनका गंभीर आरोप ये है कि पत्नी के घर वालों ने हो सकता है पत्नी को कहीं छुपा दिया है या मार भी दिया है। बेहद ही गंभीर बात है, इसके लिए पुलिस प्रशासन तेजी से कार्रवाई करे और उनको जल्द से जल्द टावर से नीचे उतारे और बातचीत आगे बढ़े।